द सीक्रेट वी कीप एक पोस्ट वार थ्रिलर है। ये कहानी दिखलाती है द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के 15 साल बाद भी इसकी त्रासदी कैसे फिल्म की नायिका माया रीड का पीछा नहीं छोड़ती है। युद्ध बीत जाने के 15 साल बाद युद्ध भूमि बने यूरोप से बहुत दूर एक दूसरे देश यूएसए अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी माया रीड को युद्ध के दौरान उसके उसकी बहन और उसकी तरह कई लड़कियों के साथ हैवानियत करने वाले शख्स से बदला लेने का मौका मिलता है। क्या वो खुद के साथ हुए बर्बरता का बदला ले पाएगी या नहीं, या 15 साल पहले हुए बर्बरता की घिनौनी याद उसके मन में इतना घर कर चुकी है कि वो इससे बाहर आने के लिए अपनी सारी भड़ास एक निर्दोष शहरी पर उतार रही है। क्या सच है क्या झूठ है, इसे जानने के लिए कहानी में आखिरी तक बने रहिए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद जब पूरा विश्व एक आदमी की सनक से पैदा हुई त्रासदी से उभर रहा है, माया रीड जो कि एक रोमानियन है रोमानिया से बहुत दूर अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। यहाँ उसने एक अमेरिकन डॉक्टर जो कि एक वार वेटरन है उससे शादी कर ली है, जिससे उसे एक बेटा भी है। यहाँ अमेरिका में उसकी जिंदगी सुकून से भरी है, अच्छा पति, एक बेटा, छोटा सुखी परिवार। माया ने जो कुछ युद्ध के दौरान झेला था इस वजह से वो आजकल PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही है। उसे युद्ध के दौरान उसके साथ हुई बर्बरता की याद आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, ठीक से नींद नहीं आती है। इस बारे में वो एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखला रही है। हालांकि वो PTSD से काफी हद तक उभर चुकी है और अब काफी हद तक पूरी तरह से नॉर्मल है। एक दिन गर्मियों में जब माया घर के पास एक पार्क में अपने बेटे पैट्रिक के साथ आराम कर रही होती है, उसका ध्यान अनायास ही एक आदमी पर जाता है जो अपने कुत्ते को बुलाने के लिए सीटी बजा रहा है। सीटी एक खास पैटर्न में बजाई जा रही है। माया ने इस तरह पहले भी किसी को सीटी बजाते सुना है। वो अपने बेटे को पार्क में ही अकेला छोड़कर उस आदमी का पीछा करती है, लेकिन वो आदमी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। माया उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई। हालांकि पार्क से लौटने के बाद माया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो अपने पति के नए क्लिनिक के लिए वॉल पेंट खरीदने एक हार्डवेयर शॉप में जाती है। तभी उसका ध्यान फिर से एक आवाज अपनी तरफ खींचती है। इस बार आवाज सीटी की नहीं है, बल्कि आवाज एक आदमी की है जो दुकानदार से बात कर रहा है। ये वही आदमी है जिस पर पार्क में भी माया का ध्यान गया था। आखिर वो आदमी कौन है? इस बार भी माया खुद को उसका पीछा करने से नहीं रोक पाती है। इस बार माया उसका पीछा उसके घर तक करती है। वो उसके घर की खिड़कियों से झांककर उसे देखने की कोशिश कर रही है। माया को उसका चेहरा देखना है। काफी देर तक ताका झांकी करने के बाद उसे उस आदमी की एक झलक मिल ही जाती है। उसे देखकर जैसे माया के होश उड़ गए। वो आदमी माया के लिए जाना पहचाना है। इसके बाद कई दिनों तक माया उस आदमी पर नजर रखती है। उस आदमी का धुन उस पर ऐसा सवार है कि उसे अपने बच्चे की जिम्मेदारियों की भी परवाह नहीं रही। वो उसे स्कूल से घर लाना भी अक्सर भूल जाती है। अब तो उसने उस फैक्ट्री में भी काम करना शुरू कर दिया है जिस फैक्ट्री में वो आदमी काम किया करता है। वो यहाँ काम इसलिए करती है ताकि उस पर नजर बनाए रख सके। उसके पति लुइस रीड को भी उसका ये रवैया ठीक मालूम नहीं पड़ता है। उसे लगता है कि शायद माया पर फिर से साइकेट्रिक बीमारी हावी हो रही है। अब तो माया उसी फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी है जिसमें वो आदमी काम करता है। एक दिन फैक्ट्री से बाहर माया उस आदमी को रोकती है और उससे अपनी कार को ठीक करने के बहाने मदद मांगती है। जब वो आदमी मदद करने के लिए उसकी कार की डिक्की से टूल्स लेने के लिए झुकता है, माया जोर से उसके सिर पर एक हथौड़े से मारती है। हथौड़े की जोर की चोट से वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। तब माया लोगों की नजरों से बचते हुए उसे कार की डिक्की में डालती है और उसे रस्सियों से बांधती है और एक सुनसान जंगल में ले जाती है जहां उसने एक गड्ढा खोद रखा है और उस आदमी को कार की डिक्की से निकालकर उस गड्ढे में गिरा देती है। माया के पास एक रिवॉल्वर भी है जिससे वो उसे शूट करके वहीं दफन करने वाली है, पर वो आदमी माया को नहीं पहचानता है और ना ही ये बात जानता है कि माया उसे क्यों मारना चाहती है। वो बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, उसे अपने बच्चों और परिवार की दुहाई देता है और कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हो रही है। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है,
शायद वो उसे किसी और से कंफ्यूज कर रही है। ये आदमी देखने में एक आम शहरी है, ये हिटलर के एसएस बटालियन का कोई जालिम सेना अधिकारी नहीं जान पड़ता है। अब माया भी कंफ्यूज होने लगती है, शायद ये आदमी वो नहीं है जिसने 15 साल पहले उस पर बर्बरता की थी और उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को मरवा दिया था। माया इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि बंदूक का ट्रिगर दबाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। वो ये नहीं चाहती है कि गलती से किसी निर्दोष को मार दे, इसलिए उस आदमी को फिर से सर पर चोट मारकर बेहोश कर देती है और अपनी कार की डिक्की में डालकर अपने घर तक ले आती है ताकि फुर्सत से उसकी तफ्तीश कर सके। उस रात डिनर करते वक्त माया अपने पति लुइस को बतलाती है कि उसने उसे अपने बारे में सब कुछ सच नहीं बतलाया है। वो बतलाती है कि वो एक जिप्सी है, यानी एक बंजारन। उसका परिवार भी बंजारा था। जब युद्ध शुरू हुआ उसके परिवार को नाजियों ने यातना शिविर में डाल दिया। 2 साल वो और उसका परिवार वहीं रहा। जब नाजी हारने लगे और रशियन फौज उनके नजदीक आने लगी तब नाजी फौज में अफरा तफरी होने लगी। इसी का फायदा उठाकर वो अपनी बहन और कुछ लड़कियों के साथ उस कंसंट्रेशन कैंप से भाग गई, पर जल्द ही वे नाजी सिपाहियों के एक दल के द्वारा पकड़ ली गई। पूरे बटालियन ने उन सब के साथ रेप किया और सबको गोली मार दी। माया खुशकिस्मत थी कि बच गई। वो तब वहां से भाग गई या फिर उसे छोड़ दिया गया, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए तब कुछ नहीं कर सकी। लेकिन उसे वहां मौजूद एक एसएस अफसर का चेहरा अच्छे से याद है। उसके सीटी बजाने का तरीका, बोलने का ढंग और पहला नाम वो कभी नहीं बोल सकती है। उसके पति लुइस को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज इतने साल बाद माया द्वारा ये सब बतलाने का क्या मतलब है, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले वो क्या थी। उसे आज से और आने वाले कल से मतलब है। हालांकि लुइस के लिए ये बात फिर भी कम शॉकिंग है कि वो आज अपनी पूरी आइडेंटिटी अलग बतला रही है। असली झटका तो उसे तब पड़ता है जब वो ये बतलाती है कि उसने उस आदमी को पकड़कर कार की डिक्की में डाल दिया है और उसे घर तक ले आई है। लेविस उस आदमी को पुलिस के हवाले करने की बात करता है, क्योंकि हो सकता है कि माया पर फिर से PTSD के सिम्टम्स वापस आ रहे हों, उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। पर माया के यकीन से कहने पर कि ये वही नाजी अफसर है, लुइस माया के साथ उस आदमी को पड़ोसियों की नजर से छुपाकर घर के बेसमेंट तक लाने में उसकी मदद करता है। बेसमेंट में माया उस आदमी से पूछताछ करती है। तब वो आदमी बतलाता है कि उसका नाम थॉमस स्टेनमैन है और वो एक स्विस नागरिक है। पूरे समय जब युद्ध चल रहा था वो स्विट्जरलैंड में था और एक क्लर्क के रूप में काम किया करता था। वो अपनी इस बैक स्टोरी को साबित भी कर सकता है, पर माया को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। उसके हिसाब से वो एक जर्मन SS अधिकारी है और उसका नाम कार्ल है। अगर वो जर्मन मूल का है तो अपना जर्मन एक्सेंट बखूबी छुपा पा रहा है। उसके बोलने से ऐसा नहीं लगता है कि वो एक जर्मन है। वे जितना उस आदमी से पूछताछ करते हैं, माया के पति लुइस का शक अपनी पत्नी की मानसिक हालत के स्थिर ना होने पर बढ़ता ही जाता है। एक रात थॉमस स्टेनमैन लुइस और माया पर हमला करके उनके बेसमेंट से भागने की कोशिश करता है और भागता हुआ घर के दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक है इसलिए उसे खोल नहीं पाता है और जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। पर थोड़ी ही देर में लुइस वहां पहुंच जाता है और उसे जोर का धक्का देता है जिससे थॉमस का सर दरवाजे से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। तब लुइस और माया उसे फिर से उसी बेसमेंट में लेकर आते हैं, पर थॉमस के चिल्लाने से पड़ोसी जाग चुके हैं। तब माया भी बाहर निकलती है और पड़ोसियों से कहती है कि उसने भी आवाज सुनी थी, पर उसे लगता है कि आवाज अगली गली से आ रही थी। ऐसा कहकर वो मामले को रफा दफा कर देती है। अगली सुबह माया का हस्बैंड लुइस थॉमस की आइडेंटिटी को क्रॉस चेक करने के लिए फैक्ट्री के दस्तावेज खंगालता है। तब उसे पता चलता है कि लुइस सच कह रहा था, वो एक स्विस नागरिक है ना कि जर्मन, और वो अमेरिका आने से पहले स्विट्जरलैंड के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क हुआ करता था। इस जानकारी के मिलने के बाद लुइस को यकीन होने लगता है कि माया पर PTSD का असर बढ़ने लगा है। इधर जब लुइस घर में नहीं होता है, माया थॉमस पर टॉर्चर करने लगती है और उससे वो सब उगलवाने की कोशिश करती है जो वो उससे सुनना चाहती है। माया थॉमस से वो सब गालियां कहने के लिए कहती है जो नाजी SS अधिकारी उस समय माया का टॉर्चर करते वक्त कहा करता था।
माया उसके गाली बोलने के अंदाज से ये पुष्टि करना चाहती है कि थॉमस ही नाजी एसएस अधिकारी कार्ल है, लेकिन हर बार थॉमस यही रिपीट करता है कि वो एक स्विस नागरिक है और वो उसे कोई और समझ रही है। जब लुइस वापस आता है, थॉमस लुइस से कहता है कि वो अपने बारे में उसे कुछ बतलाना चाहता है, पर वो ये बात केवल उसी से कहेगा। तब माया को बेसमेंट से ऊपर जाना पड़ता है। तब थॉमस कहता है कि वो युद्ध के दौरान ज्यूरिख में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ब्लॉक सी में काम करता था। वहाँ वो एक क्लर्क था। अगर वो चाहे तो इस जानकारी को क्रॉस चेक कर सकता है। थॉमस कहता है कि वो उसे छोड़ दे, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। वो इसलिए पुलिस के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसने इस देश में नागरिकता पाने के लिए फेडरल अफसर से झूठ कहा था। उसकी अमेरिकन पत्नी पहले से शादीशुदा थी। उन्होंने फेडरल ऑफिसर से झूठ कहा था कि उसकी पत्नी रेचल एक बैचलर है। जब थॉमस से उसकी शादी हुई थी, वो एक शादीशुदा थी और उसके पहले पति से उसका तलाक भी नहीं हुआ है। लुइस के लिए यही उसका आश्वासन है कि अगर वो थॉमस को छोड़ दे तो वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। इधर बेसमेंट में जब लुइस और थॉमस के बीच बातचीत हो रही होती है, पुलिस माया के घर आती है। वे कल रात आई हेल्प की पुकार के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस के साथ थॉमस की पत्नी भी है क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट उसी ने लिखाई है। उसका पति कुछ दिनों से घर वापस नहीं आया है, पर माया इस बारे में कुछ भी ठीक से ना जानने का ड्रामा करती है। चूंकि माया का पति लुइस एक इज्जतदार डॉक्टर है, इसलिए पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करती है और वहां से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद माया लुइस से पूछती है कि थॉमस ने उसे अकेले में क्या बतलाया, पर लुइस उसकी बात टाल देता है और उसे कुछ नहीं बतलाता है, क्योंकि लुइस ये समझता है कि माया पीटीएसडी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और उसकी बातें सुनकर कहीं थॉमस को बेसमेंट में ही न मार दे। माया अब थॉमस की पत्नी रेचल से दोस्ती करती है ताकि उससे उसके पति की सीक्रेट बातें जान सके, पर यहाँ भी माया को निराशा ही हाथ लगती है। थॉमस ने अपनी पत्नी रेचेल को भी वही सब बतलाया है जो उसने माया को बतलाया था। रेचेल के हिसाब से भी वो एक स्विस नागरिक है और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सी ब्लॉक में काम किया करता था। माया को उसकी पत्नी से बस एक ऐसी मिलती जुलती जानकारी चाहिए जो उसे कार्ल साबित कर दे, पर हर बार उसकी पत्नी से बात करने पर वो और भी ज्यादा थॉमस लगने लगता है। अब तो माया को भी शक होने लगा है कि शायद उसने एक निर्दोष को अपने बेसमेंट में कैद कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद माया उस पर दया नहीं दिखलाती है। दूसरी तरफ माया का हस्बैंड लुइस कन्फर्म हो चुका है कि थॉमस कार्ल नहीं है, क्योंकि उसने एक यहूदी लड़की से शादी की है। अगर वो एक जर्मन नाजी होता तो कभी भी किसी यहूदी से शादी नहीं करता, क्योंकि उनके नाजी बनने की बुनियाद ही यहूदी विरोध से शुरू होती है। एक दिन थॉमस माया और लुइस के बेसमेंट से भागने की फिर से कोशिश करता है और लुइस की गन से माया पर शूट करता है, पर वो बच जाती है। इसके बाद तो माया उसकी उंगली काट देती है, क्योंकि थॉमस की उंगली में ठीक वैसी ही रिंग है जो कभी उसकी बहन के पास हुआ करती थी। माया को लगता है कि उसने उसकी बहन को मारकर उसकी अंगूठी अपने पास रख ली है। इधर माया का पति लुइस माया से कहता है कि उन्हें थॉमस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने कई बार उसकी स्टोरी को क्रॉस चेक किया है और तो और उसने स्विस एम्बेसी में भी उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया है। वो एक स्विस नागरिक ही है और वहीं पैदा हुआ है, वो कोई एक्स जर्मन नाजी अधिकारी नहीं है। लेकिन माया अब उसे इस तरह यूं ही नहीं छोड़ सकती है। अगर आज वो अपनी बात गलत मान ले तो लुइस हमेशा उसकी बातों पर शक करेगा, वो हमेशा उसे एक साइकेट्रिक महिला समझेगा। माया के लिए बात अब अहम पर आ गई है, इसलिए माया आखिरी ट्राई करती है और कोशिश करती है कि कुछ भी जानकारी उसकी पत्नी से निकलवा सके। माया युद्ध की वजह से उसके खुद के जीवन में क्या प्रभाव पड़े, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी बदल गई, इस बारे में रेचेल से बात करती है। तब रेचेल भी बतलाती है कि थॉमस भी रात रात भर नहीं सो पाता था और उसे भी युद्ध की यादें डराती हैं। थॉमस को मारने के लिए माया के लिए इतनी जानकारी ही काफी है। थॉमस ने उससे कहा था कि वो एक स्विस है और वहाँ एक क्लर्क था। जब वो युद्ध में शामिल हुआ ही नहीं तो फिर उसे युद्ध की कौन सी डरावनी याद सोने नहीं देती है। थॉमस निश्चित रूप से कार्ल ही है और वो वही जर्मन नाजी अधिकारी है जिसकी याद धुंधली सी माया के जहन में बची है। उस रात माया अपने पति लुइस के साथ थॉमस को जंगल लेकर आती है। वहां माया उससे कहती है कि अगर वो उसे सच बतला दे कि वो असल में कौन है तो वो उसे घर, उसके बच्चे और पत्नी के पास वापस जाने देगी।
लेकिन अगर वो उससे झूठ बोलता रहा तो वो उसे शूट कर देगी। लेकिन अब भी थॉमस यही कहता है कि वो एक स्विस है। लेकिन माया उससे कहती है कि अगर वो स्विस है और युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो फिर उसे युद्ध की यादें क्यों परेशान करती है। माया कहती है कि उसकी पत्नी रेचल ने उसे सब कुछ बतला दिया है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि वही कार्ल है तो वो उसे जाने देगी। लेकिन उसे ये भी बतलाना होगा कि अगर वही कार्ल है तो उसने उसके साथ क्या क्या किया था और उसकी बहन और बाकी लड़कियों को क्यों मारा और उसे क्यों छोड़ दिया, क्या वो वहां से भाग गई थी। तब थॉमस एक्सेप्ट करता है कि वही कार्ल है। वो बतलाता है कि वो एक नाजी अफसर था और उस दिन उसके बटालियन ने यातना शिविर से भागी लड़कियों को पकड़ा और उनके साथ रेप किया और एक एक को गोली मार दी। थॉमस उर्फ कार्ल उसे ये भी बतलाता है कि वो वहां से भागी नहीं थी, शायद सिपाही का निशाना चूक गया था क्योंकि वे हड़बड़ी में थे, रशियन सेना उनके नजदीक आने लगी थी। माया का शक सही था, थॉमस ही कार्ल है, उसी ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों पर गोलियां चलवाई थी और उनका रेप करवाया था। उसके दिमाग में पुरानी यादें फिर से घूमने लगती है। माया के हाथ कांपने लगते हैं। तभी माया का पति लुइस उसके हाथ से बंदूक ले लेता है और बिना सोचे थॉमस उर्फ कार्ल पर गोलियां बरसाने लगता है। कार्ल को कई गोलियां लगती हैं और कार्ल की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी उसे गड्ढे में धकेल कर उस पर मिट्टी डाल देते हैं। इसके बाद वे घर लौट आते हैं और घर के बेसमेंट की सफाई करते हैं। हर एक सबूत जो थॉमस या कार्ल के वहां मौजूद होने के बारे में हो सकते हैं वे उसे सफाई से मिटा देते हैं। इसके बाद इस बारे में वे कभी कोई बात नहीं करते हैं। माया की दोस्ती थॉमस की पत्नी के साथ इसके बाद भी बनी रहती है। वे दोनों इस सीक्रेट को आपस में छिपाकर एक नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में वे अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करते दिखते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है नए वीडियो बनाने में। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।